हरिओम। आज योग दिवस है। योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व योगमय है। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सभी योगमय है। पूरा जगत आज योग के में सराबोर हो रहा है। वैसे आप सभी योग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में अनुकरण भी करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यह समझते हैं कि योग सिर्फ आसन है, शरीर को लोचदार बना लेना, यही योग है। यह योग की एक प्रथम सीढ़ी है, यह योग नहीं है, पूरी योग नहीं कह सकते। यह एक स्टेप है। नट भी अपने शरीर को अलग अलग ढंग से झुकाते हैं, लोच है और बहुत कठिन कठिन अभ्यास भी वो कर लेते हैं, लेकिन क्या उसे हम योग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसीलिए हम सब योग को तभी पूर्ण मानते हैं जब हमारे अंदर की तीन एनर्जी यानी तीन पावर, पावर क्या है हमारे अंदर की? शारीरिक रूप से यदि हम बात करें तो फिजिकल पावर, मन के लेवल से बात करें तो मेंटल पावर, और आध्यात्मिक रूप से बात करें तो वह स्पिरिचुअल पावर, यानी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। ये तीन पावर का जोड़ ही, ये तीन पावर को ऐड करना ही योग है। यदि आप एक ही तल पे काम करते रहते हैं, यानी सिर्फ आसन तक ही काम करते रहते हैं, वह काम नहीं चलेगा। शरीर लोच हो जाए लेकिन माइंड पावरफुल नहीं है तो आपके जीवन में फिर परेशानी के बाढ़ आ जाएंगे। और यदि शरीर भी स्वस्थ है, मन भी ताकतवर है, यदि आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं करें, यानी ध्यान ना करें, ध्यान क्या है? चुपचाप बैठ जाना, जहां सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, मन की सारी क्रियाएं बंद, शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, कुछ करना नहीं है, बस चुपचाप देखते रहना है अपने आप, और वहीं से शुरू होता है एक जगत जिसे हम अध्यात्म का जगत कहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक मिनट भी बैठ नहीं सकता है मौन, और मौन होते ही चित्त की ऐसी दशा है कि वह साउंड के साथ भागेगा। आंख बंद करें, कोई दृश्य याद आ जाएगा, कोई स्टोरी याद आ जाएगा, मन स्थिर ही नहीं रहने देगा आपको। तो इसलिए हम तीन पावर को हम जोड़ते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। इसीलिए भी हम कभी कभी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यानी पहले तल पे आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। यदि आप शारीरिक रूप से रोगग्रस्त रहेंगे तो आप मन पे कैसे नियंत्रण करेंगे? शरीर कमजोर है, मन ताकतवर हो जाएगा, मन अपना खेला करेगा, आपको जगह जगह परेशानी करेगा, लेकिन यदि शरीर ताकतवर है तो मन को भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। यदि ये दोनों पावर हो गया तभी आप अध्यात्म की जगत में यानी ध्यान के जगत में आप डुबकी लगा सकते हैं, एक खिड़की से झांक सकते हैं उस अदृश्य शक्तियों को, उस अदृश्य पावर को जो अनंत है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन उसको झांकने के लिए यही दो खिड़की हमारे लिए है, वो खिड़की है फिजिकल एंड मेंटल। ये दोनों शक्तियां जब हमारे जुड़ जाती है तभी हम तीसरे जगत में हम प्रवेश करते हैं, तभी जीवन में हमें पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति मिलती है। वरना तो हम यूं ही भटकते रहते हैं। शरीर स्वस्थ हो गया तो हम समझ लेते हैं कि सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। अधिक से अधिक बलशाली व्यक्ति भी जब परेशानी आते हैं तो डमाडोल हो जाते हैं। योगी डमाडोल नहीं होता है क्योंकि वह मन से ताकतवर है, कहता है आ गया है तो प्रभु का धन्यवाद, उसे भी छेड़ देंगे,
उसे कोई कष्ट नहीं है, वह जो भी आता है वह प्रकृति के साथ है, वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है, उसमें कोई विरोध ही नहीं है, प्रकृति के साथ कोई विरोध नहीं है। वह कहता है कि तुम जैसा दो जैसा करो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो मन से ताकतवर नहीं है वह डोल जाता है, परेशान हो जाता है, रोने गाने लग जाता है। इसलिए योग में जब ये तीन शक्तियां काम करती है तो एक दूसरी शक्तियां हम कहते हैं, दो शक्तियां और है, एक शक्तियां हैं मन की शक्तियां, दूसरी शक्तियां हैं भाव की शक्तियां, या मन यानी विचार की शक्तियां, दूसरा है भाव की शक्तियां। विचार तो आप कर लेते हैं मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो आपका विचार कोना में कहीं धरा रह जाता है, आप लाठी लेके दौड़ जाते हैं कहीं, आप गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, जो सुबह याद किए अपने कहा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, सब भूल कर किनारे चला जाता है, वो भाव आपसे करवा लेती है। यानी भाव पे हमारा नियंत्रण नहीं है, भाव अपना खेल खेल करती है, वो उस खेल में विचार की शक्तियां खत्म हो जाती है। विचार तो हम अच्छे करते हैं कि हम दूसरों को मदद करें, लेकिन जैसे ही दूसरा कोई गाली दिया बस हम तुरंत उस पर प्रतिरोध करना शुरू कर देते हैं, तुरंत एक्ट करते हैं कि ये क्यों किया, और तुरंत हम प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। यानी विचार की शक्तियां हमारी काम नहीं करती, यानी भाव की शक्तियां ही महत्वपूर्ण है। इसलिए योग में यह भी कहा जाता है कि आप अपने भाव को जगाइए, अच्छे भाव को जगाइए, पॉजिटिव थिंकिंग को जगाइए, पॉजिटिव एनर्जी को आगे बढ़ाइए, और प्रकृति के प्रति हमेशा प्रेम को फेंकिए। हमारे वह लोग बहुत गजब के थे जो सुबह उठते के साथ ही सूर्य को नमस्कार करते थे और कहते थे तेरा लाख लाख धन्य है कि तूने दर्शन दिया, उठते के साथ ही धरती को प्रणाम करते थे, कहते थे कि तू माता है तू हमारी रक्षा कर, नदी को हम प्रणाम करते थे और कहते थे कि तू ही हमारा रक्षक है तू ही हमारी माँ है, पेड़ को प्रणाम करते थे और कहते थे तेरा धन्य भाग है कि तू फल दे रहा है। यानी हमारे जो पूरे भाव थी वह पूरा प्रकृति की ओर प्रेम को फेंकने की थी। आज यदि हम किसी रात में छत पे बैठ जाते हैं तो हमें चांद का ख्याल भी नहीं होता है कि चांद ठंडे को बरसा रही है, चांद शीतलता को बरसा रही है हम पर, और लेकिन हम अपने ताश और रमी खेलते रह जाते हैं, मोबाइल देखते रह जाते हैं, चांद को देख ही नहीं पाते। यानी भाव हम प्रकृति की ओर भाव को नहीं फेंक रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में हमारे योग में प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया है, और ये कहा गया है प्रकृति ही पावर है, प्रकृति ही शक्ति है, और उसे हमेशा प्रणाम कीजिए, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव बनाए रखिए, तभी प्रकृति आपको भी अपनी प्रेम को फेंकेगी। आप वृक्ष को कितना भी पत्थर मारिए वो फल ही गिराएगा, कभी पत्थर नहीं गिराएगा। उसी प्रकार से भाव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंग है। इसलिए योग में जब हम तीन शक्तियों को एक साथ काम करते हैं तो भाव को भी हम आगे बढ़ाते हैं। यानी हर काम में कृतज्ञता का भाव, हर चीज में धन्यवाद का भाव, अच्छा हो धन्यवाद, बुरा हो धन्यवाद, प्रत्येक चीज में यदि हम शुभ विचार करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में भी शुभ कार्य होने लग जाता है, हमारे जीवन में भी संकट के बादल खत्म होने लग जाते हैं। और इसलिए जब भी मौका मिले आप कभी निगेटिव थिंकिंग नहीं करें। योग का पहला मंत्र है नो निगेटिव थिंकिंग, ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव सब कुछ होगा। आपके जीवन में तो पॉजिटिव होगा ही, आपके परिवार में भी वो आभा मंडल उनको भी प्रभावित करेगी और उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगी। इसलिए योग दिवस पे एक छोटा सा मैसेज यही है कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, भाव को हमेशा मैत्रीय भाव में रहिए,
मित्रता का भाव, हर किसी को दुश्मन हो तो पर भी मैत्री फेंकिए, उसकी ओर प्रेम फेंकिए, हमेशा फेंकते रहिए। जितना आप फेंकेंगे उतना ही आपकी ओर प्रकृति फेंकेगी। योग दिवस पे हमारी बातों को इतने धैर्य, इतने प्रेम से सुना, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। ये प्रणाम आप स्वीकार कीजिए, आपके जीवन में भी शांति, उल्लास और आनंद के झरने बहे, यही हमारी कामना है। हरिओम तत्सत।